प्लस बार बार वही सुसु करने जा रहे हैं। हमें हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना है सुसु करने के लिए। क्रिसमस ट्री भी देखी बात। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एपिसोड में। और आज हमें तुम्हें छोटा सा अपडेट देना था, वो उन चीजों को लेके जो चेंजेस हमने किए थे, यानी इस ब्रेक में जहां हम ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, जा रहे थे, तो उसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे। जैसे तुम्हें बताया था कि हम पानी काफी ज्यादा पियेंगे और कंसिस्टेंट वगैरह रहेंगे, तो उसमें हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था, मतलब कि हम अपना 100% दे रहे थे इस चीज को लेके। तो उसके रिगार्डिंग हम तुम्हें एक अपडेट देते हैं। सीन ये है कि अभी, हाँ, एक दो चीजें और हैं कि हमने अभी अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया है और आज से हम थोड़े से कार्ब्स अपने कट कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है कि हम मसल साइज होल्ड कर पा रहे हैं, बट हल्का हल्का हम अपने स्टमक पे फिर भी फैट देख पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक लेयर देख पा रहे हैं, जिसके लिए हमें लगता है कि कार्ब्स को थोड़ा और कम करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम ताकि हम मसल मास को रिटेन रख पाए, तो उसके लिए हमें प्रोटीन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कार्ब्स, तुम जानते हो, हमारे मेन सोर्स सिर्फ दो ही हैं, एक तुम्हारे ओट्स हैं और दूसरा हमारे राइस हैं। राइस हम कम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा ग्लाइकोजन लेवल जब नीचे जाता है वर्कआउट के टाइम, तो उसको तुम्हें ऊपर लाने के लिए, रिकवर करने के लिए तुम्हें पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमने ओट्स कम किए हैं। और उसके साथ साथ अब हम प्रोटीन इंटेक अपना थोड़ा बढ़ा रहे हैं। वो कैसे बढ़ा रहे हैं? एक तो अभी हम अपने 5 एग व्हाइट्स अब कर दिए हैं इस टाइम पे भी, मतलब कि जैसे तुम्हें पता था कि हम पहले 2 या 3 एग व्हाइट्स लेते थे अपने प्री वर्कआउट मील में, तो अब वो हमने बढ़ा के कर दिए हैं 5 एग व्हाइट्स, सिर्फ एग व्हाइट्स ही करी हैं, और 5 एग व्हाइट्स हमने बढ़ाई हैं अपनी ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो ये चेंजेस किए हैं फिलहाल के लिए डाइट में। इसको शायद तुम अगले फुल डे ऑफ ईटिंग में भी देख लोगे, अगर तुम कहोगे तो उसमें भी हम शेयर कर देंगे। फिर हमने जो चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं वो है, भाई हम बहुत ज्यादा वेस्कुलर फील करने लग रहे हैं, मतलब कि एक लेयर है जहां हम देखते हैं कि हाँ अभी यहाँ पे हमारा फैट है, जैसे कि कल हम तुम्हें शायद दिखा रहे थे कि हमारे चेस्ट पे वेन्स दिख रही है हल्की हल्की, वो विजिबल आ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत नया था। मतलब कि लाइक हमने कई अपनी वेन्स देखी हैं कि मान के चलो यहाँ पे एक अलग ही वेन्स दिखती है, तो वो थोड़ा इंडिकेट करती है कि हाँ हम लीन हो रहा है, बट ये वाली वेन्स शायद हमने लाइफ में पहली बार देखी हो, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था। क्योंकि उस टाइम पे एक तो ये रहता है कि जब तुम बहुत पतले होते हो तब वेन्स दिखना अलग चीज़ है, बट जब तुम मस्कुलर होते हो, मतलब तुम ज़्यादा मसल मास होल्ड कर रहे हो, देन तुम्हारी मसल्स दिख, उसके ऊपर वेन्स दिख रही हैं, तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। एंड जितना हम पुश कर रहे हैं तुम्हें पता है, उसके बाद अब ये चीज़ होने लग रही, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, काफ़ी हमें अच्छा लगा ये देख के। तो हाँ, इन शॉर्ट हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम हार्ड वर्क कर रहे थे इन दिनों, मतलब कि जो हमने अपना पानी इनटेक बढ़ाया है, प्लस बार बार वही सुसु करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि हमने अलार्म तक सेट करके रखा हुआ है कि अब हमें हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना है सुसु करने के लिए, ताकि हमारा वाटर जो है फ्लश आउट होता रहे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर हाँ, पर एक दिक्कत ये भी हो रही है कि तो क्योंकि लोगों को इतना श्रेडेड देखने की शायद हमें आदत नहीं है, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद हम इतना श्रेडेड हुए हैं, और बाकी बल्कि हम पहले 50 दिन हमने जो बल्क किया था, तो लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा देखा है उस बल्क फेज में, है ना। तो लोग जब हमें इस स्टेज में देखते हैं, यानी श्रेडेड वाली, तो उन्हें लगता है कि हम शायद ज़्यादा ही पतले हो रहे हैं या फिर ऐसा सीन है, बट हाँ ये चीज़ सही भी, हम इसको नकार नहीं सकते कि हाँ हम अभी पतले हो रहे हैं, और यही एक लौता तरीका है जब तुम श्रेडेड होते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तुम्हें इतना तो पुश करना ही पड़ता है कि हाँ भाई अब हमें थोड़ा सा मसल लॉस भी होगा और फैट लॉस को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल है, तो हमने सोचा कि शायद तुम्हें बतानी चाहिए कि हाँ भाई देखो पॉजिटिवली रिजल्ट आ रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है, ठीक है चलेगा, बट वो कम हो रहा है, उसको कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन शॉर्ट कि मतलब कि हमारी जो वेन्स विजिबल हो रही हैं, या फिर हम मसल साइज को जो रिटेन कर पा रहे हैं, या फिर जो पंप हम फील कर पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि हमें और थोड़ा पुश करने की जरूरत है, वही हम कर रहे हैं आज से, जो कि तुम देख रहे हो कार्ब्स वगैरह भी कम कर रहे हैं, तो ठीक है चीजें काफी सही आ रही हैं। और जो कल हमने मील शेयर की थी, वो भाई उम्मीद है कि तुमने ट्राई करना, मतलब कि अभी नहीं भी किए तो एक बार ट्राई जरूर करना, तुम भाई लिटरली उसको क्या कहते हैं, उसमें मोहब्बत हो जाएगी भाई उस मील से तुम्हें। तो बस ये चीज थी, आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। वर्कआउट की बात करें, आज हमारा बैक डे है, सिर्फ बैक डे होगा, और उसके साथ में फोरआर्म्स भी ट्रेन करेंगे। बाकी हाँ, अब इन दोनों पंप भी काफी अच्छा आ रहा है, आर्म्स को हम थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा ही डोमिनेट करने लग रही है बाकी बॉडी के, तो हो सकता है उसको हम थोड़ा कम ट्रेन करें, या फिर हो सकता है ये चीज करें हम पुश पुल लेग्स को ही फॉलो करने लगे, बट लेग्स अब हम ज्यादा नहीं जाना चाहते क्योंकि इंजरी को बुलावा देने जैसा होता है, स्पेशली
स्पेशली लास्ट के डेज में, तो वो चीज हम अभी नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज है, हो सकता है हम रेस्ट भी रेस्ट डे ज्यादा बढ़ा दें, कार्डियो हम कर दें, कार्डियो इंक्रीज कर दें, डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पे बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो मैं हम अपडेट दे ही रहे हैं डेली के डेली, तो देखते रहना। बाकी आज वर्कआउट करने जाएंगे, वर्कआउट में रहेंगे आज की बैक के मूवमेंट और फोर आर्म्स के, तो वहां मिलते हैं। ठीक है भाई, अदभी क्यूडास तुम्हारा स्वागत है फिर से बैक डे में, और आज हमें थोड़ा सा अपर बैक पे फोकस करना है क्योंकि लैट्स के सेशन तुम काफी ज्यादा कर चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, बट अपर बैक के थोड़े से कम हुए हैं, तो आज हमें अपर बैक पे करना है फोकस। तो ये पहला वर्किंग सेट है, इससे पहले दो हमने वार्म अप सेट कर लिए हैं। लाइट वेट रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसमें अगर हम पुश नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही फायदा उसको रिकॉर्ड करने का। इसमें तुम थोड़ा तुम्हारी आ ऊ ऐसी आवाजें सुनोगे भी। ओके भाई, तो तुम इसमें देख रहे होगे कि हम अपनी एल्बोस को थोड़ा सा फ्लेयर आउट कर रहे हैं, और अब तुम थोड़े से चीटिंग रेप्स देखोगे। कोशिश तो ये करेंगे कि हाँ प्रॉपर फॉर्म के साथ कर पाएं, बट हम खुद को जानते हैं कि हम चीट करेंगे इसमें, और कोई दिक्कत भी नहीं हुई चीट करने में। कम से कम तुम पुश तो कर रहे हो, डोंट बी अ बिच, पुश दी वेट। लास्ट सेट काफी अच्छा था, मतलब हम फील कर पा रहे हैं बर्नआउट जो होता है। और एक चीज़ ये अच्छी भी है कि अपना जो पहला सेट स्टार्ट करो वो एक अच्छी एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, और उसमें जितना हो सके तुम पुश करो, वो एक तरीके से तुम्हारे बाकी के वर्कआउट की पेस सेट करता है। तो पहले सेट को यानी पहली एक्सरसाइज को तुम ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं रखना चाहोगे जिससे तुम ज़्यादा मन से ना कर पाओ या ज़्यादा मन लगा के ना करो। तो कोशिश करो कि पहली एक्सरसाइज में तुम पुश करो और ऐसे मोमेंट रखो जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो। अगेन इसमें तुम अपने चेस्ट की पोजीशन जिसमें सबसे अच्छी कंफर्टेबल पाओ या फिर जिसमें सबसे अच्छा तुम माइंड मेंसल का कनेक्शन फील करो वो रखो। अब हो सकता है वो तुम्हारे लिए ये हो जहाँ पे सिर्फ तुम एक सेकंड तो वो हो सकता है तुम्हारे लिए सिर्फ ये हो जहाँ पे तुम चेस्ट को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, बाकी का तुम्हारे कमर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं टच कर रहा है। या फिर तुम ये भी रख सकते हो जिसमें एज इट इज तुम्हारी पूरी क्या कहते हैं मिड सेक्शन है पूरा का पूरा बेंच पे टिका हुआ है, जो तुम अच्छा पाओ। ये 80 से करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि 7 आए, मुश्किल है बट कोशिश करने में क्या जाता है। उम्मीद से हल्का था पर ठीक है। तो अभी जो हम करने वाले हैं ये है सिंगल हैंड पुल डाउन ही कहेंगे, ओके भाई। तो बैक के अभी दो मूवमेंट और करना है जिसमें एक होने वाला है तुम्हारा हाइपर एक्सटेंशन और दूसरा होने वाला है पुल ओवर। तो अभी हम हाइपर एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, वहाँ अंधेरा रहेगा तो तुम्हें वहाँ कुछ देखने को मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम सीधे करके आते हैं। तुमसे सीधे मिलते हैं पुल ओवर में। हाइपर एक्सटेंशन के बाद अभी हम करने वाले हैं पुल ओवर। अगेन इसके लिए हमें क्लोज ग्रिप प्रेफर कर रहे हैं। तुम जरूरी नहीं है कि यही ग्रिप पकड़ो, तुम लैट पुल डाउन वाली ये ग्रिप भी पकड़ सकते हो जिसमें तुम्हें एक वाइड ग्रिप मिलने का ऑप्शन मिल जाता है। बट इसमें हम एक अच्छा कॉन्ट्रेक्शन फील कर पाते हैं, उतना स्क्वीज हम फील कर पाते हैं मसल में। और मेन चीज़ ये भी है कि तुम कोई भी अटैचमेंट यूज़ करो, मेक श्योर कि तुम यहाँ से कनेक्टेड हो उस मसल के साथ, तो सही चीज़ है। ओके भाई, तो जो लास्ट मूवमेंट करने वाले हैं वो फोरआर्म्स के लिए ही है। हालांकि अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा फोरआर्म्स को अपने इन्हें इंगेज कर लेते हैं बाकी के एक्सरसाइज में भी, पर ठीक है फिर भी आखिरी में एक मूवमेंट रखना ही चाहिए। तो ये स्पॉट हमारा बैक चेकिंग का, क्योंकि यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ती है तो यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं बैक चेक करना।
भाई तुम यहाँ से देख पा रहोगे कि विड्थ तो आई थिंक काफी ठीक ठाक दिख रही है, और हम नीचे यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी देख ही पाते हैं। आई थिंक वर्कआउट यहीं तक रखते हैं, बाकी उम्मीद है वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, और देख के बताना कैसी लगी। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो देख लेना भाई, कुछ कमेंट कर देना। बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है भाई, बाय बाय।